अगर आज की तारीख पे आपको बोला जाए कि आपके पास में 15 लाख रुपए का बजट है, आपको डीजल गाड़ी लेनी है कोई भी, तो सबसे पहले आप चूज़ करोगे कि आप जाने वाले हो कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट के अंदर। उसके बाद बात की जाएगी कि आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। या फिर लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि 15 लाख से नीचे में सबसे ज़्यादा बेहतर गाड़ी कौन सी आती है, और ये कॉमन क्वेश्चन है जो हमें आमतौर पे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे हर जगह पे कॉमन देखने को मिलता है। इस वीडियो में इसलिए हमने सबसे पहले ये बताया। तो बात करने वाले हैं वीडियो में टाटा नेक्सॉन की, जो परफेक्टली फिट होती है 15 लाख से नीचे वाले के प्राइस बजट के अंदर मिलने वाली सबसे अच्छी गाड़ियों में से एक है ये गाड़ी, और ये सब लोगों को पता ही है। और इसी वजह से गाड़ी को इतनी सारी सक्सेस मिली है, टाटा को इतनी सारी सक्सेस मिली है नेक्सॉन की वजह से। रीज़न यही है कि गाड़ी सबसे अच्छी साबित हुई है अगर बात करें 15 लाख से नीचे के सेगमेंट की, तो इसी वजह से लोग ज़्यादा खरीदते भी है। सेल्स के फिगर्स के बारे में भी बात करें तो गाड़ी हमेशा टॉप करती है या फिर टॉप 3 में ही आ जाती है हर महीने एसयूवी की सेल्स के अंदर। ऐसा क्यों होता है वो तो लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि गाड़ी में क्या ऐसा है जिस वजह से गाड़ी सबसे ज़्यादा बिकती है, लेकिन इस वीडियो में बात करने वाले कि ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी को टाटा अपग्रेड करने वाला है। जी हाँ, अब गाड़ी कहीं ना कहीं थोड़ी सी पुरानी नज़र आती है अगर बात कर ले एज़ कम्पेयर टू दी कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स अब आ चुके हैं जो ऑलरेडी प्लेयर्स थे पहले, और फिर से अब उन लोगों को अपडेट मिल चुका है, तो वो लोग फिर से राज करने के लिए तैयार है। बात कर रहा हूँ मैं ब्रेज़ा की और वेन्यू की। ब्रेज़ा का तो सेगमेंट लीडर ही थी, ब्रेज़ा तो हमेशा से जब से लॉन्च हुई थी तब से सेगमेंट लीडर बनी हुई थी। उसके बाद उसका मार्केट थोड़ा सा कम हुआ क्योंकि डीजल इंजन चला गया था और डिज़ाइन थोड़ी सी गाड़ी की ओवरडेट हो चुकी थी, उस वजह से गाड़ी थोड़ी सी पुरानी नज़र आती थी, इसी वजह से मारुति ने उसको अपडेट किया। अब ऐसा ही हाल है नेक्सॉन के साथ में, टाटा इसको अपडेट करने वाला है बहुत जल्द। इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, कंफर्ट और कन्वीनियंस में आपको जो फीचर्स मिलेंगे ओवरऑल उनके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही में ये भी बात करने वाले हैं कि आपको सेफ्टी कैसी मिलेगी नई वाली नेक्सॉन के अंदर, और ये भी बताएंगे कि आपको लॉन्च डेट कब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस गाड़ी को इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट के अंदर, और प्राइसिंग क्या होने वाली है। तो इन सबको कुल मिला के एक वीडियो के अंदर नेक्सॉन फेसलिफ्ट के ऊपर आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देख लेना, उसके बाद अगर आपकी कोई भी कमेंट रहती है या फिर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप ज़रूर हमें कमेंट में पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले वीडियो को कम्प्लीट देख लेना, क्योंकि हमारे वीडियो के अंदर ही आप जो क्वेश्चन पूछते हो कमेंट के अंदर उसी के आंसर होते हैं। पूरे वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको वो मिल जाते हैं। अब बिना देरी के गाड़ी के बारे में बात करते हैं। तो की स्पेसिफिकेशन में हम कवर करने वाले हैं आपके लिए इंजन ऑप्शंस के बारे में। इंजन्स की बात करें तो आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा जो टर्बो डीजल अभी भी आ रहा है। इसके अलावा आपको 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि एक और नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन इसमें दे टाटा मोटर्स, लेकिन कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। एज़ पर द रिसोर्सेज, एज़ पर द रिपोर्ट्स हमें जानने को मिला है कि एक और नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन गाड़ी के साथ में टाटा दे देगी, क्योंकि जो कस्टमर्स आजकल पेट्रोल नेक्सॉन ले रहे हैं उनमें भी कई लोग ऐसे हैं कि 1.2 लीटर टर्बो के अलावा वो लोग प्रेफर कर सकते हैं कि 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड हमारे हो, क्योंकि उन लोगों की सिटी ड्राइविंग ज़्यादा होती है तो सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उनका इंजन जो है वो नेचुरली एस्पिरेटेड हो, ताकि उनको माइलेज एफिशिएंसी भी थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाए। इस वजह से टाटा सोच रही है कि गाड़ी का 1.2 लीटर में नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी दे दिया जाए। इसके अलावा सीएनजी वेरिएंट भी आने वाला है, उसके ऊपर भी हम आपके लिए बहुत जल्द वीडियो बना के आपको देने वाले। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो भी पसंद आ रही है तो अभी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज इस चैनल पर आती रहती है। आगे चल के बात करें तो बूट स्पेस वगैरह तो अभी जो गाड़ी का है वही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गाड़ी के डायमेंशंस चेंज नहीं होने वाले हैं, प्लेटफॉर्म वही रहेगा, मतलब कि गाड़ी अगेन 5 स्टार ही रहने वाली है। लेकिन जो चेंज होगा वो होगा कॉस्मेटिक चेंजेस, और इसके चलते डायमेंशंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, और बूट स्पेस या फिर अंदर की इंटीरियर स्पेस जो है वो अभी जो आती है वैसी आपको देखने को मिलेगी नई वाली फेसलिफ्टेड नेक्सॉन के अंदर। बात करें फ्यूल टैंक वगैरह की तो वो भी अगेन सेम ही रहने वाला है। सस्पेंशंस और स्टेयरिंग व्हील वगैरह की, मतलब कि जो फंक्शंस की बात करें, वहाँ पे आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही वे में एडजस्टेबल स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा। 4 डिस्क ब्रेक्स आपको देखने को मिलेगी, मतलब कि टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आपको चारों व्हील्स के अंदर डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी।
आपको डायमेंशंस जो होंगे वो भी मतलब कि मैंने आपको बता दिया, सेम ही रहने वाले। अब अगर बात करें फीचर्स के बारे में, तो वहाँ पे आपको अभी जो फीचर्स आ रहे हैं उस पर अगर ऐड किया जाए, तो वहाँ पे आपको जो IR है, टाटा का कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी रहती है, वहाँ पे आपको थोड़े से एडिशनल फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि थोड़े बहुत सुधार उनमें देखने को मिलेंगे। थोड़े फीचर्स अभी जो मिसिंग है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे गाड़ी के नए वाले फेसलिफ्ट के अंदर। बात की जाए इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो वो सबसे ज़्यादा दिक्कत रही है हर एक नेक्सॉन के ओनर की, मतलब कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये दिक्कत आ रही है कि उनकी जो भी इंफोटेनमेंट सिस्टम है नेक्सॉन की, वो थोड़ी सी लैग कर रही है या फिर अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है। कभी कभार चालू गाड़ी में ही वो ब्लैंक स्क्रीन दिखा देती है, तो ये सब कस्टमर्स के प्रॉब्लम जो है उनको फेस करने पड़ रहे थे, और इसी वजह से जो है टाटा उसको रिप्लेस कर दे या फिर UI में चेंजेस कर दे, अपडेट्स के साथ में उसको चेंज करके सुधार लाया जा सकता है। और पूरी उम्मीद है कि टाटा ये करेगा, क्योंकि टाटा जितनी भी फेसलिफ्ट निकालता है अपनी गाड़ियों की, उसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस होते हैं वो उन लोगों के इंजीनियरिंग के ऊपर ही होते हैं, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर वो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि लोगों को ज़्यादा दिक्कतें परेशानियाँ फेस करनी पड़ रही है। तो इस वजह से गाड़ी को और थोड़ा सा बेहतर बना दिया जाए, जिसकी वजह से यूज़र एक्सपीरियंस थोड़ा सा और ज़्यादा स्मूथ हो जाए, और इसी के चलते गाड़ी के अंदर आपको ऐसी इम्प्रूवमेंट्स भी देखने को मिल जाएगी फेसलिफ्टेड वाली नेक्सॉन के अंदर। अब अगर बात करें कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में, तो आपको लेदर सीट्स मिल जाएगी, क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाएगा, रेन सेंसिंग वाइपर्स, LED हेडलैम्प्स, LED DRL, LED फॉग लैम्प्स। LED फॉग लैम्प्स के अलावा आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील, 60-40 रियर सीट स्प्लिट्स, आपको सीट में लंबा सपोर्ट देखने को मिलेगा, स्मार्ट एक्सेस कार्ड एंट्री विथ स्मार्ट बैंड देखने को मिलेगी आपको, साथ ही में 3 ड्राइव मोड जो अभी भी आ रहे हैं गाड़ी के अंदर वो भी आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा एक और चीज़ जो हम आपके तक बताना चाहते हैं आपको, वो ये है कि फ्रंट और रियर दोनों ही जगहों पे आपको पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलेंगे नई वाली नेक्सॉन के अंदर। अभी तक सिर्फ रियर में आ रहे थे, लेकिन अब नई वाली फेसलिफ्ट के अंदर आपको फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सेफ्टी के बारे में बात करें, तो गाड़ी के अंदर आपको उम्मीद है कि 6 एयरबैग्स जो है वो टाटा इंट्रोड्यूस कर दे, मतलब कि अभी तक तो नहीं मिल रही, लेकिन नई वाली फेसलिफ्ट के अंदर आपको टॉप एंड वेरिएंट में 6 एयरबैग्स मिल जाएगी। और हो सकता है कि कुछ और भी TPMS से भी ज़्यादा कुछ फीचर्स देखने को मिल जाए, लेकिन उसके ऊपर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। उसके अलावा बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो वो तो भैया सेम ही रहने वाली है, क्योंकि लोहा तो सेम ही रहने वाला है, जो चेंज होगा वो थोड़ा सा और ज़्यादा कॉस्मेटिक चेंजेस होने वाला है। इसके अलावा कुछ और ड्रास्टिक चेंज नहीं होने वाला गाड़ी के साथ में। ABS, EBD, ESP, ESC, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो IR VM, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, रियर पार्किंग कैमरा, 10 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, JBL का ऑडियो सिस्टम, ये सब तो आपको गाड़ी के साथ में मिलने ही वाला है। अब अगर बात करें इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, तो वो है लॉन्च डेट। उसके पहले प्राइजिंग के बारे में बात करते हैं, तो प्राइजिंग होने वाली है भैया 7 या फिर 7.5 लाख से शुरू होकर 15 लाख तक। आपको 7.5 से 15 लाख तक पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट के अंदर सभी टॉप एंड वेरिएंट तक के फीचर्स, मतलब कि वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे 7.5 से 15 के अंदर। तो ये अगेन एक टास्क होने वाला है लोगों के लिए, क्योंकि लोग ज़्यादा कंफ्यूज भी होने वाले हैं, क्योंकि कंपटीशन में भी अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब आग ही लगी पड़ी है कि क्या होगा क्या नहीं। लॉन्च डेट रह गई, क्योंकि लॉन्च डेट होने वाली है गाड़ी की December 2022। जी हाँ, सही सुना आपने, December 2022 तक टाटा इसको ज़रूर लॉन्च कर देने ही वाली है। तो चलिए, इस वीडियो में तो बस इतना ही था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ, थैंक यू।